हेलो एवरीवन, बंटी दी मान दिस साइड। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सब जानने वाले हैं डिप्रेशन क्या होता है, क्यों होता है और डिप्रेशन से बाहर कैसे निकला जा सकता है। दोस्तों, डिप्रेशन एक मानसिक स्थिति है, एक बीमारी है, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। डिप्रेशन कई सदियों से चलती आ रही है, बस 21वीं सदी में इसका प्रभाव कई गुना बढ़ गया है। दोस्तों, डिप्रेशन होने का कोई एक स्पेसिफिक कारण नहीं है, इसके बहुत से अलग अलग कारण या वजहें हो सकती हैं। बड़ों के साथ आजकल बच्चे भी डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं। चलिए जानते हैं पूरा डिटेल में इसके बारे में। आप इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहना। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। यहाँ पर हेल्पफुल वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहेंगी। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। सबसे पहले हम जानेंगे डिप्रेशन क्या होता है और इसके लक्षण। नंबर वन, जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक ना खुश रहता है और उसकी ज़िंदगी से उसकी रुचि ही ख़त्म होने लगती है। नंबर टू, किसी भी काम में फोकस ना बन पाना। थोड़ा सा ही काम करने के बाद खुद को बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करता है, जैसे उसका कामकाज से दिल सा भर गया हो। नंबर थ्री, बिल्कुल भी सही तरीके से नींद ना आ पाना और नींद बार बार बीच में टूटते रहना। सोने के वक्त 2-3 घंटों तक नींद ही ना आ पाना। नंबर फोर, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा महसूस होना, हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा करना या गुस्सा आना। नंबर फाइव, नेगेटिव थॉट्स आते रहना, यहाँ तक सुसाइड का बार बार मन में ख्याल आना। इस प्रकार के लक्षण यदि आपको 2 हफ्तों से ज़्यादा नज़र आएँ तो इसे डिप्रेशन समझ सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं डिप्रेशन क्यों होता है, इसके कारण। नंबर वन, डेथ। जब आपके जीवन में कोई व्यक्ति, फिर वो आपका दोस्त हो सकता है, आपका परिवारजनक हो सकता है, जब उसकी मृत्यु होती है तो उसके सराउंडिंग में एक बड़ा रिस्क बन जाता है, यानी कि उसके साथ जुड़े हुए लोगों में डिप्रेशन के लक्षण आ सकते हैं, वो डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। नंबर टू, अनएम्प्लॉयड की वजह से अचानक से जॉब छूट जाना या बेरोज़गारी की वजह से नौकरी ना मिल पाना। कोई घर पे बैठा है, उसके घर वाले बार बार उसे बोलते हैं, प्रेशराइज करते हैं, इस सिचुएशन में भी डिप्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर थ्री, ब्रेकअप। जैसे कोई व्यक्ति किसी संबंध में जुड़ा होता है, अचानक से वो संबंध जब टूट जाता है तब डिप्रेशन की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। नंबर फोर, चाइल्डहुड एब्यूज़। जैसे कोई व्यक्ति अपने बाल्यकाल से एब्यूज़ से ग्रसित रहा हो, जैसे फिज़िकल एब्यूज़ अथवा सेक्सुअल एब्यूज़, उनमें डिप्रेशन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। नंबर फाइव, दिमाग के अंदर जब सेरोटोनिन, नोरेफिनेफ्रिन और डोपामिन जैसे केमिकल्स में जब कमी होती है तब डिप्रेशन के लक्षण आने शुरू हो जाते हैं या डिप्रेशन के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो अब हम जानेंगे डिप्रेशन से बाहर कैसे निकला जा सकता है और इसके इलाज। सबसे पहले अपने आप को पास्ट और फ्यूचर में से निकाल कर खुद को प्रेजेंट में जीना सीखो, प्रेजेंट को इंजॉय करना सीखो। नंबर टू, अपनी पसंदीदा कोई फिज़िकल गेम खेलो, मेडिटेशन करो, योगा करो या कोई एक्सरसाइज ज़रूर करो। उसके बाद अपने पसंदीदा सॉन्ग्स के ऊपर डांस कर सकते हो, फिर चाहे आप अकेले अपने रूम में नाच लो। नंबर थ्री, अपने आप को कम मत समझो किसी से भी, खुद को किसी से कम मत समझो और ना ही किसी को अपनी ज़िंदगी समझो। किसी को भी इतना हक मत दो कि कोई आपको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन दे सके। दोस्तों, हर चीज़ के मज़े लेना सीखो, मौज करो, ज़िंदगी बहुत बेहतरीन है। नंबर फोर, कहते हैं इंसानी शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इनकी कमी से खुद को बचाओ। जैसे कि पृथ्वी से हमें खाना मिलता है, फल सब्जी मिलती है, तो शरीर को अच्छा और बढ़िया फूड दो। जल की कमी से हमारे शरीर में घबराहट महसूस होती है, यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। अगर बात करूँ रोशनी की, तो हर रोज़ सुबह सुबह सूरज की रोशनी में कुछ समय के लिए बैठो या घूमो, आपके मूड को ये अच्छा करती है। अंधेरे से ज़्यादा अच्छा हमें रोशनी में ज़्यादा फील होता है रहना। और अगर मैं बात करूं वायु की, तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, इससे बचने की कोशिश करो और साफ़ सुथरे एनवायरनमेंट में रखो अपने आप को। सो अगर बात करें आकाश की, कम स्पेस वाली जगह से ज़्यादा अच्छा हमें ज़्यादा स्पेस वाली जगह में महसूस होता है, जैसे पहाड़ों पर जाने से, घर की छत पर जाने से या फिर खुले मैदान में जाने से हमें अच्छा महसूस होता है। नंबर फाइव, कम्युनिकेशन। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया, उसकी एक छोटी सी भतीजी है, जब भी वो रोने लगती है तो उसकी मम्मी उसे मोबाइल पकड़ा देती है उसको चुप करवाने के लिए। अब यदि पेरेंट्स
खुद शुरू से ही बच्चों के साथ कम्युनिकेट करें तो आज बच्चे बड़े होकर फेसबुक या इंस्टाग्राम पर दूसरे लोगों को ना ढूंढ रहे होते उनसे बातें करने के लिए। अब हैरानी वाली बात तो मुझे तब लगी जब एक सर्वे के मुताबिक देखा गया हमारे इंडिया में 100 में से 98 पिता पुत्र आपस में ज़्यादा बातचीत ही नहीं करते। आपको जिनके साथ भी बात करके अच्छा महसूस होता है उनसे आप मिलो और बात करो। सो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना कि डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए और क्या क्या किया जा सकता है। सो इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों को ज़रूर शेयर कर देना, और अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए इसी प्रकार की हेल्पफुल वीडियोज़ को हमेशा देखने के लिए। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।